तो जैसा सेक्शन 2E की मंशा है उसे उस रूप में पढ़ लिया जाना उचित है। इसके पश्चात 2F भारत, भारत भी जैसा लिखा गया अधिनियम में उस हिसाब से पढ़ना उचित रहे। 2F के बाद 2G जांच, इंक्वायरी। 2G में इंक्वायरी शब्द की डेफिनेशन दी गई है, जांच शब्द की परिभाषा दी गई है कि साहब जांच क्या है, व्हाट इज इंक्वायरी। मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही जिसका प्राथमिक उद्देश्य, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है। द इंक्वायरी इज अ प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इंटेंट टू फाइंड आउट whether prima facie case is made, whether prima facie case is made out against the accused or not। जांच क्या है? जांच एक ऐसी कार्रवाई है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, न्यायालय के द्वारा की जाती है, जो जिसका पता लगाना, जिसका प्रारंभिक उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो प्रश्नगत अपराध के संबंध में यह पता लगाने के लिए की गई कार्रवाई कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, जांच कही जाती है जो कि मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाती है। इन अदर वर्ड्स, प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट टू फाइंड आउट वेदर प्रिमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज और नॉट इन रिलेशन टू द क्वेश्चन इन ऑफेंस इज सेड टू बी इंक्वायरी। देखिए ये जांच कब हो जाती है न्यायालय में इसका सामान्यतः पता नहीं चलता, लेकिन आप लोगों को याद है कि आने वाले समय में जब सेशन न्यायालय के द्वारा विचारण की प्रक्रिया के बारे में वर्णन करेंगे, जब डिस्कशन उस पर चलेगा, तो जब सेशन ट्रायल शुरू होती है 225 से लेकर, तो 225 में लोग अभियोजक न्यायालय में कार्रवाई शुरू करें, 226 में लोग अभियोजक मामले का कथन प्रारंभ करेगा, न्यायालय को बताएगा कि वो किन किन साक्ष्यों के द्वारा, किन किन साक्ष्यों के द्वारा, एविडेंसेस के द्वारा, विटनेसेस के द्वारा अभियुक्त पर लगाए गए मामले को अभियुक्त के विरुद्ध साबित करना चाहिए। न्यायालय लोक अभियोजक के कथन के पश्चात पत्रावली का अवलोकन करेगा। पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यदि न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता, देर इज नो प्रिमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज, तो न्यायालय सेशन ट्रायल में धारा 227 में अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। देन कोर्ट विल डिस्चार्ज द अक्यूज अंडर सेक्शन 227। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि डिस्चार्ज इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, उन्मोचन जांच का परिणाम। और इसलिए सेशन न्यायालय जब मामलों का विचारण करता है तो जांच का परिणाम 227 में उन्मोचन के रूप में निकल कर आता है। इसी प्रकार जब वारंट मामलों के विचारण होता है तो 239 सेक्शन 239 में डिस्चार्ज निकल कर आता है, दैट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी। तो सेक्शन 2G में जो जांच या इंक्वायरी शब्द की परिभाषा दी गई है उसके लिए दो ही लाइनें कहना पर्याप्त रहेगी कि जांच मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी कार्रवाई है जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। तो दैट इज बेसिकली इंक्वायरी, टू फाइंड आउट वेदर प्रिमा फेसी केस इज मेड आउट अगेंस्ट अक्यूज और नॉट, इट इज द प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट। एंड एक बात और कह दूं कि जांच न्यायिक कार्रवाई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग। 2G के बाद 2H की तरफ बढ़ते हैं। 2H इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान। इन्वेस्टिगेशन, सब इन्वेस्टिगेशन क्या है?
कौन करता है? तो सेक्शन 2H में अनुसंधान शब्द की, अन्वेषण शब्द की परिभाषा थी। सुविधा के लिहाज से अनुसंधान या अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा प्रश्नगत अपराध के संबंध में साक्ष्य और सबूत एकत्र करने की कार्रवाई है। अनुसंधान प्रश्नगत अपराध के संबंध में साक्ष्य और सबूत एकत्र करने की कार्रवाई है, जो कि या तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इन्वेस्टिगेशन इज अ प्रोसीडिंग टू प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय द कोर्ट और मजिस्ट्रेट टू कलेक्ट एविडेंसेज एंड प्रूफ इन रिलेशन टू क्वेश्चन एंड ऑफेंस। प्रश्नगत अपराध के संबंध में साक्ष्य और सबूत एकत्र करने की कार्रवाई अन्वेषण के लिए जाती है। प्रोसीडिंग टू कलेक्ट एविडेंसेस एंड प्रूफ इन रिलेशन टू क्वेश्चन इन ऑफेंस इज सेड टू बी इन्वेस्टिगेशन, जो कौन करता है, या तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जाती है या फिर न्यायालय और मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा की जाती है, विच इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर सेंट्रली और बाय एनी अदर ऑथोराइज पर्सन authorized officer by the court or magistrate, that is investigation. 2H investigation, 2I न्यायिक कार्रवाई। सेक्शन 2I में न्यायिक कार्रवाई शब्द की परिभाषा दी गई है, जुडिशियल प्रोसीडिंग शब्द को समझाया गया। सेक्शन 2I में कहा गया कि न्यायिक कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में कोई साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। एविडेंस में और टेकन लीगली ऑन टू द ओथ, दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग इज न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल इंक्वायरी। तो इसे न्यायिक कार्रवाई कहा, जुडिशियल इंक्वायरी कहा। मूल रूप से ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें वैध रूप से साक्ष्य शपथ पर लिया जा सके। तो ऑन ओथ लीगली एविडेंस लिया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई को हम न्यायिक कार्रवाई कह देते हैं। न्यायिक कार्रवाई मूल रूप से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको जांच पढ़ाया या जांच के बारे में डिस्कशन किया, तो मैंने वहां पर आपसे निवेदन किया कि जांच मुख्य रूप से एक न्यायिक कार्रवाई है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो अगर इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है, अगर इन्वेस्टिगेशन न्यायालय के द्वारा डायरेक्टेड नहीं है, न्यायालय के निर्देशाधीन नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग हो भी सकता है, लेकिन वो न्यायालय के निर्देशाधीन हो तब, अन्यथा इन्वेस्टिगेशन न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। जांच न्यायिक कार्रवाई है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये हुआ जांच और अन्वेषण। इसके पश्चात 2J लोकल जुरिस्डिक्शन, स्थानीय क्षेत्र अधिकार। लोकल जुरिस्डिक्शन, देखिए यहां हम दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहे हैं, CRPC के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो CRPC में जुरिस्डिक्शन किसका, लोकल जुरिस्डिक्शन किसके लिए हम बात कर रहे हैं? तो यहां हम बात कर रहे हैं लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई स्थान जहां पर मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, तो उसे लोकल जुरिस्डिक्शन, उसका स्थानीय क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। तो पर्टिकुलर टेरिटरी और पर्टिकुलर एरिया ऑन विच मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज इट्स पावर इज सेड टू बी इट्स लोकल जुरिस्डिक्शन। तो ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर एक मजिस्ट्रेट, एक दंड नायक अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसे स्थानीय क्षेत्राधिकार कहा गया, लोकल जुरिस्डिक्शन कहा गया 2J। इसके अलावा 2K की तरफ बढ़ते हैं। 2K महानगर क्षेत्र, मेट्रोपोलियन एरियाज। मेट्रोपोलियन एरियाज के बारे में 2K में डेफिनेशन दी गई, इसको हम धारा 8 के साथ पढ़ सकते हैं, सेक्शन 8 के साथ इसको पढ़ा जा सकता है। मेट्रोपोलियन एरिया, महानगर क्षेत्र मुख्य रूप से वे क्षेत्र हैं
जिनकी संख्या जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई है और राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके जिन्हें महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।